So now we are discussing liability. So हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि exactly हम liability किसे कहते हैं, ठीक है? So any amount, meaning of liability हम पढ़ रहे हैं, any amount which is payable by the business to any outsider वो liability कहलाता है. कोई भी पैसा, any amount which is payable, pay नहीं किया है, pay करना बाकी है, any amount which is payable by business, कौन pay करने वाला है? बिजनेस पे करने वाला है. किसको पे करने वाला है? टू एनी आउटसाइडर, किसी भी बाहर वाले को पे करना है, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है. बिजनेस के लिए वो एक तरीके से कर्ज है, ठीक है? सो एनी अमाउंट विच इज पेएबल बाय द बिजनेस टू एनी आउटसाइडर इज नोन एज लायबिलिटी. कोई भी पैसा जो बिजनेस को आउटसाइडर्स को पे करना बाकी है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है. सिंपल सी भाषा में ये मीनिंग आपको हमने बता दिया. लायबिलिटी को कैटेगराइज किया गया है टू टाइप्स, दो कैटेगरी में. फर्स्ट है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दैट इज करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी उस लायबिलिटी को कहते हैं विच आर पेएबल बाय द बिजनेस विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर. शॉर्ट टर्म लायबिलिटी उस लायबिलिटी को कहते हैं जो बिजनेस को पे करना है आउटसाइडर्स को. कैसे पे करना है? दैट इज विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर पे करना है, ठीक है? उसके एग्जाम्पल क्या है? क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे उसके एग्जाम्पल है. क्रेडिटर्स किसे कहेंगे? क्रेडिटर्स उन पर्सन्स को कहेंगे जिसके पास से, सप्लायर्स को कहेंगे जिसके पास से हम गुड्स लेके आते हैं उधार पे. क्रेडिटर वो है जिसके पास से हम गुड्स उधार पे लेके आते हैं. कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भी आपको आज के टाइम पे क्रेडिट पे गुड्स इतने लंबे समय के लिए नहीं देगा. आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए ही आपको गुड्स क्रेडिट पे मिलता है. सो आपको वो पैसा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर पे कर देना ही रहता है, लास्ट टू लास्ट. सो वो क्रेडिटर से जो हम गुड्स लेके आते हैं, चाहे ट्रेड पेबल्स जो है, ये सारी चीजें हमारे लिए करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाती है, बिकॉज दे आर पेबल बाय द बिजनेस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. एंड सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दैट इज नॉन करेंट, विच इज नॉट करेंट. दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज विच आर पेबल बाय द बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय में वो लायबिलिटी जो हमें लंबे समय में रिपे करना है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है. उसके एग्जाम्पल क्या है? बैंक लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा. बैंक से हमने 5 साल 10 साल के लिए लोन लिया, ठीक है, तो आपको 1 साल में नहीं पे करना है, आपको वो 1 साल से ज्यादा पीरियड में पे करना है. दैट इज 2, 3, 4, 5 एनी नंबर ऑफ इयर्स हो सकता है वो, ठीक है? उसके एग्जाम्पल हम बहुत सारे लिख सकते हैं, बट समराइज आपको छोटे में शॉर्ट में बताने के लिए हमने इस तरीके से लिख रखा है. सो आपको याद रखना है लायबिलिटी किसे कहेंगे? एनी अमाउंट विच इज पेएबल बाय द बिजनेस टू एनी आउटसाइडर वो लायबिलिटी है. Liability are of two types, short term and long term. Short term, that is current liability, which are payable by the business within a period of 1 year, and long term, which are payable by the business over a longer period of time. So these are the two types of liability and the meaning of liability. Hope so you have understood.